हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे अच्छे, आप कैसे हो मैम। मैम? आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। चलो चलो किसका माइक बेटा अनम्यूट है? चलो सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। तो आज हम लेसन नंबर 2 जो है हमारा कच्छ की सैर। तो कच्छ की सैर जो है उनमें हमने कच्छ के नए नए सिटीज देखे और उसमें क्या क्या है, वहाँ पर कौन से तीर्थ स्थल है, वहाँ पर देखने लायक कौन कौन से स्थल है, तो वो सब हमने देख लिया था, बराबर है। तो हम इसमें शायद पहेली की ओर पहुंचे थे, बराबर है। पहेलियां जो है वो हमारी बाकी थी, यहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर देखे और हमने यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए थे, तो उसके संबंध में हमने 4-5 वाक्य भी समझे थे। उसके बाद हमने दो दो वाक्यों में क्वेश्चन आंसर समझे थे। उसके बाद हमने एमसीक्यू समझे थे, यानी कि विकल्प। तो इसके बाद आता है अब यहाँ पर पहेलियां। तो यहाँ पर हमें कुछ पहेलियां दी गई है। तो पहेलियां जो है उसमें पहली पहेली है वह है सितारा यानी कि स्टार, दूसरी है हाथी और तीसरी है चिराग। चिराग यानी कि दिए में जो बाती से निकलता प्रकाश होता है उसे चिराग कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 4, पाठशाला। तो यहाँ पर सितारा, हाथी, चिराग और पाठशाला के बारे में हम पहेलियां जानते हैं और हम उसे कैसे बना सकते हैं ये भी हम देखते हैं। तो इसमें पहली पहेली है वह है आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चम चम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो ये है एक पहेली हुई। तो ये पहेली किसके बारे में है? सितारा। किसके बारे में? हेलो गर्ल, सितारा। यस वेरी गुड, सितारा। इसके बाद है हाथी। तो नंबर 2 पर है गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल, चलो बतलाओ मैं हूं कौन। तो वो है हाथी। इसके बाद है नंबर 3, अंधेरे मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी हैं तेल और बाती, यानी कि दिए में से जो प्रकाश निकलता है उसे चिराग कहते हैं। तो चिराग किन में से निकलता है? तेल और बाती में से। अकेली बाती हो तो भी दिया नहीं जलता और अकेला तेल हो तो भी दिया नहीं जलता। और मैम तेल जलाने के लिए, यस बेटा, मैम, बाती क्या होता है? बाती यानी कि आपने जिन्हें गुजराती में वाट कहे ने, रूम माथी बनावा आवे छे, दीवो करवा माटे हाँ वाट बनावा, हाँ, तो उसे बात ही कहते हैं। ओके बेटा, नंबर 4 पर है ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश, यानी कि ज्ञान का मंदिर हूँ, यानी कि पाठशाला को मंदिर के स्वरूप में माना जाता है कि यहाँ पर जो आते हैं तो सब कुछ विद्या का प्रकाश लेकर जाते हैं, यानी कि विद्या, बहुत सारी विद्या यानी कि जानकारी और अभ्यास प्राप्त करके ही जाते हैं। और मंदिर तो माना जाता है पाठशाला को, इसके साथ साथ इसे सरस्वती का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश, यानी कि यदि आप पाठशाला जाएंगे तो बहुत सारी विद्या पाएंगे। ऐसा कोई होगा चालू से ठीक है चलो बेटा, किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट करो। मैं मशीरा का। मशीरा,
माइक म्यूट कर दो बेटा। हो गया जी? ओके ओके। तो चलो आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर शब्दकोश दिए गए हैं। तो आपको पता है कि शब्दकोश में शब्दार्थ में कौन कौन से शब्द जो है वो लास्ट में आते हैं, लेकिन शब्दकोश बनाने के लिए उन्हें बीच में लेना पड़ता है। तो क के बाद हमने देखा होगा कि ज्ञानी का घ्न, क्षत्रि कक्ष, त्र आदि सब जो शब्द है श्र, वो कहाँ पर आते हैं? क्षत्रि का श, ज्ञानी का घ्न, त्रिशूल का त्र और के बाद आता है रू। ऊ के बाद क्या आता है? रू आता है। तो इसी तरह क के बाद क्षत्रि कक्ष आता है और झ के बाद न आता है आप, और उसके बाद है त के बाद क्या आता है? त्र आता है और श के बाद आता है श्र, यानी कि श्रमिक का श्र, यानी कि हम सब तो गुजराती के जो कक्का आता है उसी से हम कक्कावारी लिखते हैं, करते हैं ना हम सब ऐसा, लेकिन हिंदी में अलग है। हिंदी में कक्कावारी यानी कि वर्णमाला को यदि हम शब्दकोश में लिखना चाहते हैं तो हमें क के बाद जो शब्द आएगा वो ख नहीं आएगा। कक्कावारी में क के बाद आएगा क्षत्रिय का क्ष। तो उसी तरह झ के बाद क्या आता है? ज्ञानी का न आता है, नहीं के हम जिसे गुजराती में कहते हैं ना कि जबलानो ज, तो ये जबलानो ज आवतो नथी, पण झ पछी ज्ञानी नो न आवे छे, खाली कक्का वारी पूरतो ज पछी आवे छे त। तो त पछी शू आवे छे? थ आवे छे। आपणे वर्णमाला में सीख्या छे के त पछी थ आवे छे, बराबर छे? पण यस, जो तमारे कक्कावारी लखवी होय, शब्दकोश लखवो होय तो त पछी त्र वाळो शब्द आवशे। समझाय छे बधाने हुं शुं कहुं छुं? हेलो गर्ल्स, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर ले अपने अपनी बुक्स में। हेलो गर्ल्स, हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? यदि आप अपनी बुक में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके मैम, क्या नोट डाउन? क्या मैम? यदि आप शब्दकोश, आपको बताया गया हो कि यहाँ पर आपको जो शब्दकोश दिए गए हैं उसको क्रम में लिखना है। ओके तो, अच्छा ओके मैम, आपको ये एक्स्ट्रा में बता रही हूँ कि आप कक्कावारी लिखेंगे तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि गुजराती में शब्दकोश का प्रारंभ बिना अनुस्वार के होता है, जबकि हिंदी में अनुस्वार से ही प्रारंभ होता है, जैसे कि अ आ ही ई ऊ रु, तो इन सब शब्द के से ही शुरू होता है। तो ऊ के बाद आता है जैसे कि रु आता है, तो उसी तरह क के बाद क्षत्रिय का क्ष आता है और झ के बाद ज्ञानी का ज्ञ आता है और त के बाद त्रिशूल का त्र आता है और श के बाद यानी कि शरणाई के श के बाद स्र आता है, यानी कि श्रमिक का स्र। तो सबको समझ में आ गए बेटा? हेलो गर्ल्स, हेलो, ओके। तो इसी तरह यहाँ हमें शब्दकोश दिए गए हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों हमें साथ में दिए हैं, तो इनमें हमें देखना होगा कि कौन सा स्वर जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर हमें अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महतना,
इकराम, शायर, हमदर्द और चिरा। तो ये सब शब्द दिए हैं, तो इनमें से स्वर कौन कौन से हैं पहले? हेलो, इनमें से स्वर कौन कौन से हैं? जैसे कि अभ्यास, अभिवादन, वो दोनों क्या है? वो स्वर है। तो इसमें पहले आएगा अभिवादन या तो अभ्यास। तो यहाँ पर शब्द कोश को हमें क्रम में लगाने में पहला शब्द आएगा अभिवादन। अभिवादन इसके बाद आएगा अभ्यास, इसके बाद आएगा चिराग, इसके बाद प्रगति, इसके बाद आएगा विनय, और इसके बाद आएगा शायर, इसके बाद हेलो मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, अब आ रहा है बेटा? यस मैम, अब आ रहा है। ओके, तो ये शब्द कोश को हम यहाँ पर क्रम में लिखा हुआ मिला है। जैसे कि सबसे पहले आएगा अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है वो है अधीक्षक। अधीक्षक यानी कि सुप्रिटेंडेंट। तो वे है मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका हेड हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अधीक्षक। उसके बाद है नंबर 2, प्रभाग। प्रभाग का मतलब होता है विभाग, डिवीजन। तो यहाँ पर फिल्म प्रभाग आज बंद था। उसके बाद है नंबर 3, वरिष्ठ। वरिष्ठ यानी कि सीनियर और कनिष्ठ यानी कि जूनियर। तो नंबर 3 पर है जो वरिष्ठ शब्द दिया है, उस पर से वाक्य बनेगा वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। उसके बाद है नंबर 4, कनिष्ठ। तो कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। नंबर 5, सचिव। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। इसके बाद है नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला दयावान, दूसरा मूल्यवान, तीसरा कृपालु, चौथा थोड़ा सा, पांचवा अच्छा, छठा सुंदर और सातवा प्रिय। तो उसमें है नंबर 1, दयावान। दयावान जो है उस पर से वाक्य बनेगा राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। नंबर 3, कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा। नंबर 4, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। नंबर 5, अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। नंबर 6, सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। नंबर 7, प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। इसके बाद है ब्लैंक्स। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहली ब्लैंक्स है वह सामख्यालिक को हम कच्छ का डेश कह सकते हैं। नंबर 2 पर है गांधीधाम में डेश प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। नंबर 3, हाजी पीर में पीर का डेश है। नंबर 4, गांधी स्मृति का स्थान देश में है। नंबर 5, देश से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर हमने नीचे इसके सभी के आंसर दिए गए हैं। तो चलो अब हम आंसर वाले ब्लैंक को रीड करते हैं। ओके, तो नंबर 1 है सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। तो उसमें आंसर है प्रवेश द्वार।
नंबर दो, गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई, तो उसका आंसर है सिंधी। नंबर तीन, हाजी पीर में पीर का मजार है, तो मजार जो है उसका आंसर है ओके। नंबर चार, गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है, तो आदिपुर उसका आंसर है। नंबर पांच, सूरज बारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो सूरज बारी इसका आंसर है। तो सबको ये ब्लैंक्स जो है बेटा समझ में आ गए बेटा? यस मैम। ओके चलो अब लास्ट में है कि दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब तक आप सब ने किसने अनुवाद किया है? हिंदी का गुजराती में, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमें गुजराती पैराग्राफ दिया गया है और उसका हमें हिंदी में भाषांतर करना है। तो हिरण नदी ने पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाई ले रहा है। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रहा है। ભેંસોનું ગાખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। જ્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ તો અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતિ અનુભવવા લાગ્યા। તો એની પેરેગ્રાફ કા અબ હમ હિન્દીમાં ભાષાંતર કરતે હૈ, અનુવાદ કરતે હૈ। હિરણ નદી કી પશ્ચિમ કી તરફ સૂરજ દાદા વિદા લે રહે થે। સંધ્યા કે સમય પક્ષીઓ કી ટોલિયાં અપને ઘોંસલો કી ઓર ઉડ રહી થી। ભેંસો કા ઝુંડ ઓર ગાયો કા સમૂહ અપને માલિક કે ઘર કી તરફ લોટ રહા હૈ। ઉસ સમય રિમઝિમ રિમઝિમ વર્ષા શરૂ હુઈ। લોગ અસહ્ય ગરમી કી પીડા સે મુક્તિ કા આનંદ લે રહે થે। કેવલ મનુષ્ય હી નહીં, પશુ પક્ષી ઓર જીવ જંતુ ભી શાંતિ કા અનુભવ કરને લગે। તો સબકો યે પેરેગ્રાફ જો હૈ गुजराती का हिंदी में, और बेटा ठीक से समझ में आ गया? इसमें कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में ना आए हो? हेलो हेलो, यस मैम, सबको समझ में आ गया बेटा? यस ओके। तो चलो हम इसे पहले से ही रीड कर लेते हैं एक बार ओके। तो इसे रीड करेगी माही, शेखानी माही। हेलो शेखानी माही प्रेजेंट है बेटा? अलवीरा, अलवीरा प्रेजेंट है बेटा? यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो। मरुभूमि रेगिस्तान कच्छ की मरुभूमि रेगिस्तान जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेती ही रेत है दिखाई देती है। तो मैम स्क्रीन वो ब्लर थी जाए छे, उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। मैम स्क्रीन ब्लर थी गई, यही पानी के लिए दूर दूर सक तक दूर दूर तक भटकना पड़ता है कहीं कहीं ऐसे एक मिनट में ऐसे स्थान होते हैं
जहाँ भूमि से पानी निकलता है, ऐसे स्थानों को मरुद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्राय ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कच्छ के तीन बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये कच्छ के तीन बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवनचिन तथा समुद्र दर्शनित है। एक मिनट मैम। भुज वेबशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन। मैम बचेंगे नहीं क्यों सर? स्वामी नारायण मंदिर। हम एक मिनट हमें भुजिया पहाड़ दर्शनित स्थान नहीं एक मिनट पहाड़ आदि दर्शनित स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, पछी लखपत तथा दिखाई दे रहा है बेटा इसमें। यस मैम, हाजपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थान है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत मैम स्क्रीन लखपत में शोखों का गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। मैम पछी वाचू ना। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्रावन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक Yeah,
चलो मैम कैन आई रीड? हाँ आपका नाम बेटा? नकवी सीरत ज़हरा। मैम शी इज नकवी सीरत ज़हरा। मैम नकवी सीरत। ओके ओके मैम कैन आई स्टार्ट? नकवी सीरत बेटा स्टार्ट करें। हाँ कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम आयोजित कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान में आकर बस गई है। भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जैनों का अति प्राचीन यात्रा होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। ये नगर जैसा लगने वाला बड़ा गांव है। बचाओ कन्नड़ क्या है? बंदरगाह। कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? मांडवी में। सुजन कच्छ की कला का परिचय करने वाली एक संस्था है। हेलो यस मैम। हाँ चलो बेटा कंटिन्यू करो। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन? सितारा। गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल, हाथी। मेरे चल पाती मेरी दो साथी तेल और बाती। चिरा ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। पाठशाला। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अभ्यास विनय संध्या प्रगति अभिवादन महकना संग्राम शायर हमदर्द। आंसर अभिवादन अभ्यास चिराग प्रगति महकना विनय शायर संग्राम संध्या हमदर्द। भी रीड करने का है क्वेश्चन नंबर 11। इस पाठ में प्रश्न के शब्दों की सूची बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट मैथानिक में जाकर आदिश्य से मिला। प्रभाग डिवीजन फिल्म प्रभाग आज बन वरिष्ठ सीनियर। वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ जूनियर कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव सेक्रेटरी मंत्री के मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। नीचे दिए गए विशेषणों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान राजा बहुत दयावान है। मूल्यवान समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए। सामिख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान में आकर बस गई है। हाजीपीर में पीर का मजार है। गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा शुरू होती है। हेलो गर्ल्स। हेलो गर्ल्स। ओके बेटा तो सबको ये पूरा लेसन जो है वो समझ में आ गए बेटा?